प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले सरगुजा में, आप सोचिए अकेले सरगुजा में 22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। कांग्रेस के राज में पहले पूरे छत्तीसगढ़ में इतना काम नहीं होता था, क्योंकि नोटे बिस्तर के नीचे चली जाती थी, बोरे में बंद हो जाती थी। ये मोदी है, ये डॉक्टर रमन सिंह है कि वो पैसे गरीब का घर बनाने के लिए काम आ रही है, और बिचौलिए नहीं, सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और देखा जाता है कि मकान यहां बना, चलो इतने पैसे उठाओ, मकान यहां पहुंचा, उठाओ ले जाओ, बैंक में सीधा जमा हो जाता था। और मकान भी महिलाओं के नाम पर बनाने का कंपलसरी कर दिया, वरना पहले क्या था, घर बनेगा तो पति के नाम पर, स्कूटर खरीदेंगे पति के नाम पर, दुकान खरीदेंगे पति के नाम पर, खेत खरीदेंगे पति के नाम पर, स्कूटर लाएंगे पति के नाम पर, और पति न रहा तो सब बेटे के नाम पर। बेचारी उस मां के नाम पास कुछ नहीं होता था, बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ती थी। हमने तय किया सरकार जो मकान देगी वो उस महिला के नाम पर देगी, ताकि जीवन के अंत तक वो सम्मान से जिंदगी जी सके, गर्व से जिंदगी जी सके। ये काम हमने किया है भाई।